सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके A.P.S गेमिंग में। तो आज हम लौट आए हैं फ्री फायर में। वैसे आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं पहले ही फ्री फायर खेलता था। मैं इसका पुराना प्लेयर हूँ, मैं कोई प्रो प्लेयर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई नॉर्मल भी प्लेयर नहीं हूँ। हाँ, मैं नॉर्मल प्लेयर ही हूँ। ठीक है, तो आज हम फ्री फायर खेलने वाले हैं, तो देखते हैं कि हमें शह मिलती है कि मात। वैसे मैंने इसको डाउनलोड करके इसको बहुत बार खेल भी है। वैसे मैं इतने फ्री फायर पर नहीं बनाता, क्योंकि मैंने इसको हैक करना चाहा, और हैक करने पर मेरे मोबाइल में बैन हो गया। तो कैसे भी करके मैंने इसको वापस पाया है, लेकिन अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा इसको हैक करके। अब मैं हम चलेंगे मिशन पर, मिशन पर देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इनने बहुत तो अपग्रेड कर दिया मेरे ख्याल से, कि नई करेक्टर है जो आ रही है इस गेम में। मैं कोशिश करूँगा कि काश मैं ये देर तक बचा रहूँ और जल्दी ना मरूँ, जिससे मेरा गेम प्ले अच्छा लगे। और मैं देखता हूँ कि जैसा कि मैंने जब इसको आखिरी वक्त छोड़ा था, तो यहाँ पर डीजे लोग नाचता था, और अब लगता है इनने कुछ ज़ॉम्बीज़ का बना दिया है। मतलब कि मेरे ख्याल से कुछ ज़ॉम्बीज़ जैसा ही है, क्योंकि अगर ये लोग लॉबी में ज़ॉम्बीज़ शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये लोग कोई ज़ॉम्बीज़ अपडेट दे रहे हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इन्वेशन तो पहले ही आ चुका था, तो क्या ये कोई मूवी का स्पॉन्सर है? मेरे ख्याल से एक मूवी है पेनिनसुला, जो अभी रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उसके डायरेक्टर हैं जो ट्रेन टू बुसान के। वैसे उनका एक अपना यूनिवर्स है, मेरा एक अपना, मतलब कि मेरा नहीं, उनका एक अपना यूनिवर्स है। कहीं उनका तो यहाँ पर वो स्पॉन्सर्ड ये फीचर तो नहीं कर रहे हैं? तो ठीक है, तो मैंने सेट की थी अपनी लोकेशन, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मैंने अपनी पोची नोको की है, पुरगेट्री तो है नहीं, एक मैप का ही नाम है। तो ठीक है, मैं पुरगेट्री में जंप करने वाला हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ ठीक ही रहे मेरे वहाँ तक गिरते गिरते। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि नीचे पहुँचने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और हम पहुँच चुके हैं इस काले मतलब सफ़ेद धुएँ को चीर के। मेरा नेट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना नेट काफ़ी होता है ज़िंदा रहने के लिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं कोई अच्छा खासा प्लेयर नहीं हूँ, कि आप उम्मीद करें कि मैं बहुत तगड़ा। तो यहाँ पे मैं तगड़े तरीके से लैंडिंग हो गई, कि मैं कुछ अच्छा प्रदर्शन आपको करके दिखाऊँ। मैं बस कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी मरूँ ना। बस मेरा यहाँ पर नेट बहुत घटिया रहा है, पहली बार मैं वीडियो बनाने में कहीं पहले में ये सारे सरकमस्टेंसेस ना आ जाएं, जितने भी होते हैं नेट कम की वजह से जो भी। और यहाँ पे मुझे कोई गन वन भी नहीं मिल रही, दिमाग का दही। अरे यार, ये क्या है ये? मैं तीन इधर घूम के भाई इधर जाके देख, ये लो हो गया 999 प्लस। ओ नो नो नो, अरे यार अभी नेट भी अभी जाना था। ये इनहेलर कुछ नया है, मैंने इसके बारे में पता लगाया, तो इसके बारे में मुझे ये पता चला कि ये हमारी EP के साथ HP दोनों बढ़ा देती है। तो मेरे यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया है घूम घूम के। और मैं चलो नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे चलो मुझे गन मिल गई, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ओ मैंने शायद किसी को आते हुए देखा। ओह ओ नो नो नो, दुश्मन आ गया, मैं इसको शॉटगन से मारता हूँ जल्दी। अरे अरे, ओ मर जा मर जा मर जा, ओ ओ गया। अरे मैं ही गया। अरे यार दोस्तों, ठीक है, तो हम कोशिश अच्छी थी, मैं अगले में ट्राई करता हूँ कि पहुँच पाता हूँ कि नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमारी वैसे डॉगी की तरह मौत ना हो जाए, अच्छी खासी मेरी इमेज यहाँ पे ख़राब हो जाएगी फ्री फायर के प्रति, फ्री फायर में, फ्री फायर के प्रति क्यों। और मैंने इस बार डिसाइड किया कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा वो जो क्लॉक टावर के 3-4 घरों के वहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे में उतना हौसला या फिर उतनी औकात नहीं है यहाँ पे इनके साथ उतरने की, उनको ठोकने की। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं सही जगह पे उतरूँ, और सही जगह पे तो उतरूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, जो कि मैं हर बार उम्मीद ही करता हूँ। वैसे आप मेरे यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मतलब कि इसका एनवायरनमेंट नहीं, मेरी वॉइस, मतलब कि मेरे आवाज़ के एनवायरनमेंट का। लो यहाँ पर 9999 भी हो गया, अब यहाँ पे मेरा डिस्को होने वाला है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लो ओ यहाँ पे दो बार स्टैंड की तरह गिरा। हाँ, मैं कहा था कि आप मेरे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा एनवायरनमेंट में, जो आसपास की आवाज़ों का होता है, क्योंकि मैं एक अशांत एनवायरनमेंट में रहता हूँ। बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे गोले बारूद गिरते ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा आदमी, मतलब कि मेरा एक क्लोन मिल गया मुझे। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, कि शायद कुछ भी यहाँ पे अच्छे हथियार खोर कुछ भी मिले मुझे,
चलिए मुझे लगता है कि काश कुछ मिल जाए। तो बहुत देर के बाद मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यही बस कटवाना के सिवा, मतलब कि कटाना के सिवा ये जो मिली है कुछ यहाँ पे मुझे नहीं मिला। मेरे सबसे घटिया 9999+ भी चल रहा है, नहीं तो ये क्या बकवास है 9999+। मतलब कि पहली वीडियो में ऐसा हाल हो गया मेरा, ताकि सारी बुरी चीज़ें अभी होनी है इसमें। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मुझे जल्दी से हथियार मिल जाए। शायद आपने किसी एक आदमी को देखा वहाँ पे राइट में। अरे यार मैं एक तो बहुत प्रो हूँ ना, यहाँ पे पहले ही बैठने लगता हूँ। वो दूर नहीं दिख रहा हो, दिखा आपको? इसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मुझे एक आदमी दिखा है वहाँ पे। हाँ दूर था वो, बहुत दूर। मैं इस पेड़ के पीछे अपनी शरण ले लेता हूँ जल्दी से। शरण लेने का भी मुझे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास ये तलवार है और मैं खैर इस गेम में हम तलवार फेंक के नहीं मार सकते। तो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं पहली फुर्सत में, और कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाए जिससे मुझे क्लॉक टावर के ऊपर भी ना जाऊँ, और मैं आराम से यहाँ पे ये क्या मतलब कि ये बास्केटबॉल नेट के अंदर, बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर हो जाती है कभी कभी ऐसी गलतियाँ, इसके मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे बकवास के सिवा कुछ और मिल नहीं रहा है। इसकी क्वालिटी मुझे सच में बहुत ज़्यादा इसकी ब्लर हो गई। मैं अगले बार से मैं इसको थोड़ा अच्छे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे कोई गन मिल जाए। चलिए मुझे यहाँ पे लगता है वो इस गन का नाम मैं जानता नहीं, मैं इसे मशीन गन कहूँ। मुझे एक मशीन गन मिली है जो बड़ी वाली होती है, मुझे यहाँ पे इसका नाम याद रहता है। इसका नाम है P90 और इसका नाम है G18, जो मैंने अभी अभी पढ़ के आपको बता दिया। चलिए उससे कोई मतलब नहीं होता है, और उससे मतलब भी हमें क्या करना है, और फिर बाद में हमें करना भी क्या है। ओह नो, ओह शिट शिट शिट, और यहाँ पे हाथ में आ गया। मैं P90 से इसको ठोक दूंगा आराम से, एकदम आराम से। अरे अरे अरे, एक भी गोली नहीं लगी। मैं इसको कूद कूद के प्रो की तरह इसको मार दूंगा, आज नहीं बचेगा तू। तो दोस्तों ये हमारी आखिरी कोशिश है। मैं पीक में उतरने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे उतरने नहीं वाला, क्योंकि मैंने सुना है कि पीक अफगानिस्तान है फ्री फायर की। वैसे ये कहीं सुना नहीं, मैंने खुद ही अभी भी बना लिया। वैसे आपको कैसा लगा अफगानिस्तान? चलिए ये छोड़िए, मैं पीक के बगल वाले घरों में उतरने की सोच रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मुझे मिल जाए तो मैं पीक वाले लोगों को ठोक दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं 99.9 इतने आगे पोजीशन में चल रहा हूँ, तो कैसे उन्हें ठोकूंगा? दो बंदे यहीं उतर रहे हैं, उनके कहते हैं पैराशूट से। लो एक ये यहाँ पे पायलट वाला है, और ये यहाँ पे एक मेरा ही बंदा मतलब कि मेरे ही पैराशूट वाला उतर रहा है। तो मैं अभी इनसे टकराने के औकात में नहीं हूँ। मैं जब थोड़े प्रो स्किल सीख लूँगा तब कि मैं कुछ अच्छा बनाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं तगड़ी तरीके से चल रहा हूँ, ऐसा चलना आपने अभी तक नहीं देखा होगा कोई भी वीडियो में। तो अभी अभी से इसको लाइक शेयर कर लीजिए, और बताइए आपको कैसा लगा मेरा बकवास गेम प्ले। वैसे मुझे पता है कि मुझे क्या आने वाला है कमेंट में, अगर व्यू आएंगे तभी तो कुछ कमेंट में आएगा। चलिए वो तो छोड़िए, मुझे यहाँ पे मुझे शायद वही कॉम्बिनेशन मिल गया है जो मुझे जो सब लोग कहते हैं, जैसे कि MP40 मिल गई है मुझे, और यहाँ पे ये कहते क्या है वो मिल गई है, मशीन गन मिल गई है मुझे। मतलब कि MP40 मिल गई है, और ये शायद मुझे लगता है सबसे अच्छा है चीज़ जो मिली है मुझे। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे किसी आदमी को देखा है, वो मुझे आदमी दिख तो रहा है लेकिन वो एक बॉट है, ठीक है। तो लगता है यहाँ पे आदमी ताज़ा ताज़ा लगाया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आदमी मुझे ताज़ा ताज़ा मिल जाना चाहिए। मुझे आदमी मिलेगा तो मैं उससे मर ही जाता हूँ, एक सेकंड नहीं लगता मुझे ज़िंदा हो रहने में। जो ऊपर चेक करूँगा, ऊपर मैं हथियार लूटूंगा फिर यहाँ से। ओ नो, ओ शिट, माइन लग रही, नीचे आता हूँ, थूक देगा। वाह, कैसा लगा होगा उसको अपनी माइन में लड़के। इसका माल लूटूंगा पहले, अच्छा दिया, अच्छा हो यही। ओ आपने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे M60 और MP40, यानी कि इसके पास भी सेम वही वेपन है जो मेरे पास है। लगता है कि ये मेरे जैसा ही इसकी औकात है। तो मैं यहाँ पे एक अपना आदमी लगा देता हूँ। आप मुझे एक कमेंट करके बताइए, जो हम आदमी लगाते हैं हमारी मौत के बाद क्या चले जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मौत के बाद किसको पता होता है क्या हो रहा है, मतलब कि आदमी का तो पता होता है क्या होगा। तो मैं जा रहा हूँ पीक के अंदर, और देखूँगा वहाँ पे क्या मुझे कुछ मिलता है तगड़ा, कि मैं मतलब कि क्या मैं टिक पाऊँगा वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम पीक में जा रहे हैं मशरूम को खा खा के, हम पीक में
तो हम यहाँ पे पीक में पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से मेरे बहना कोला पपट हो गया, क्योंकि हम उसी घर में पहुंच गए हैं जहाँ से हमने ये सब लूट गए थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई आदमी शायद मिल जाए। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे कवर में कवर कवर पे कवर ले लेके यहाँ से चलूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए। मुझे लगता नहीं कि कोई वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग, मतलब ये अभी तक वीडियो बनी है इंटरेस्टिंग। तो मैं से कोशिश करता हूँ कुछ, मैं उस टूटते हुए नगरी में जाता हूँ, पहले मैं इधर जाँचूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो आदमी मेरे आस में बैठा हुआ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अभी तक बैठा हुआ, शायद वो खड़ा भी हो सकता है या लेटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे रुका हुआ रुका होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गायब हो चुका है। गायब होने के बाद चलो मैं यहाँ पे इसका नाम AK क्यों है, AK-47 है इसका नाम पूरा वैसे। भाई AKM क्या होती है, AKM और AK-47 क्या अलग ही है क्या, AK ये सब अलग ही अलग है? आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे नामों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ रोमांचक हो जाए तो मज़ा ही आ जाए वीडियो में, अच्छा टाइटल भी मिल जाएगा। वैसे टाइटल तो अभी सेम है कि हम इसमें वापस लौट आए हैं अपने गेम प्ले में, मतलब कि गरेना फ्री फायर में, मतलब कि फ्री फायर में गरेना बोलने से वो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये तो कंपनी का नाम है ना, गरेना थोड़ी ना इस फ्री फायर का पूरा नाम है गरेना फ्री फायर ना। तो ऐसे तो हम पबजी को क्यों नहीं बोलते, यूबीसॉफ्ट पबजी, यूबीसॉफ्ट ही है ना उसकी कंपनी वैसे। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें। इस घर के अंदर मुझे लगता है कि सब लोग जा चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा ही मिल जाए यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सर्व बोर्ड ये कुछ है, ओ यहाँ तो एक नया आ गया, टैप टू यूज़ इलेक्ट्रिक सर्व बोर्ड कांट बी यूज इनडोर। तो हम बाहर जाते हैं आउटडोर गेम्स की तरह, आउटडोर में हमें शायद कुछ ये तगड़ा प्रदर्शन करें। ओ यहाँ पे टैप टू स्प्रिंट, अरे ये क्या हो रहा है, इसको हटा ही नहीं रहा, अरे कूद गया ये तो। ठीक है, मुझे आगे समझ में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको खुले मैदान में यहाँ पे खुले में इस्तेमाल करूँगा। पहले यहाँ से हम निकल जाते हैं आगे, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, ये मुड़ता नहीं है स्क्रीन से, बस हमें कर्सर से यहाँ पे ये तगड़ी तरीके से हम स्पीड से जा रहे हैं, और इसको रिचार्ज भी होना पड़ता है। तो हम इसको घुमा घुमा के ले जाते हैं, और यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आ रही है, और सामने से लैम्बोर्गिनी भी आ गई। मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ स्पीड लगा के, और नो यहाँ पे तो उसकी स्पीड धीमी हो गई, वो गोलियाँ भी मार रहा है। अरे अरे ये क्या हो गया, यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ, अरे पीछे बगल कुछ कूद, अरे कुछ। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे अंत हो चुका है, और इस ने एक घटिया गन से हमारा अंत कर दिया। बहुत लोगों ने मेरा ऐसी गन से अंत किया, कहीं ये हैक तो नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में हो गया हमारा पोपट, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको।